नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का विषय वस्तु है कि जो पितृपक्ष है वह कब से प्रारंभ हो रही है, किस किस दिनांक के दिन कौन सी तिथि का श्राद्ध हमें करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा उपाय हम इन पितृपक्ष में महालय में करें जिससे हमारे दिवंगत जो पितृ हैं, ज्ञात अज्ञात पितृ हैं, वह तृप्त हों। देखिए, आप सभी को पता है कि 9 दिन नवरात्रि माँ के लिए है, तो उसमें सब कोई विशेष उपासना करता है। 1 माह पूरे भगवान शिव की उपासना लोग श्रावण में करते हैं और प्रथमेश जो गणेश जी हैं, जिसको हम सर्वप्रथम पूजन और सर्वप्रथम स्थान देते हैं, उस गणेश जी की भी उपासना हम वैसे तो प्रत्येक माह के गणेश चतुर्थी, दोनों पक्षों में गणेश चतुर्थी आती है, लोग उनकी पूजा करते ही हैं, लेकिन इस भाद्रपद के माह में हम 2 देवताओं की विशेष उपासना करते हैं। एक कृष्ण जी के जो जगत के पालन करता है और दूसरा देवताओं में जो प्रथमेश गणेश जी हैं उनकी विशेष उपासना करते हैं। तो इसी प्रकार यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से प्रारंभ होके आश्विन कृष्ण पक्ष के अमावस्या पर्यंत हमारे पितरों के लिए कुछ तिथियां बनाई गई है जिसमें हम अपने ज्ञात अज्ञात पितरों की विशेष उपासना करके हम उन्हें प्रेतत्व दोष से मुक्त करते हैं। तो वैसे ही हम जो है, जो हमारे मुख्य भगवान हैं, देखिए देवताओं को किसी ने देखा नहीं है, महसूस किया, आभास किया है, लेकिन जो हमारे वास्तविक देवता है ना, वो हमारे माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के गोद में हम पले बढ़े, उन्होंने ही हमें समर्थवान बनाया कि आज हम इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तुओं का सुख का पालन कर पाते हैं, सुख भोग पाते हैं। जो कुछ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ें हमें दिखती है, वो हमारे माता पिता की ही देन है। तो ऐसे में हमें अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध कार्यों में विशेष यम नियम के पालन का पालन करना चाहिए। तो इस बात का हमें इन 16 दिन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा हम करें जिससे हमारे माता पिता, जो दिवंगत माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्हें मुक्ति मिल सके। देखिए, माता पिता भी बच्चे की जीविका के लिए पूरे जीवन अनन्य प्रयास करता है, तो ऐसे में हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए इन 16 दिन जितना हमसे हो सकता है बुराइयों का त्याग करके उनके लिए अच्छे से श्राद्ध विधि को संपन्न करें जिससे उन पूर्वजों की मुक्ति हो सके, वह तृप्त हो सके। आप सब जानते हैं कि भगवान तो पूरे सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी कथाओं में, शास्त्रों में ऐसा सुनने को मिलता है कि पूरे श्रावण शिव जी मृत्यु लोक पे वास करते हैं, पूरे 9 दिन नवरात्रे माँ भगवती सबके घर में आती हैं, दर्शन देती हैं। जब हम किसी भी भगवान की विशेष तिथियों पे उनकी पूजन करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में, कथाओं में वर्णन है कि वह देवता, वह भगवान, वह भगवती हमारे घर में हमारे पूजन को स्वीकार करने आते हैं। तो क्या हमारे जो पितरों की जो तिथि है, यह 16 दिन की जो तिथियां हैं, क्या हमारे पूर्वज हमसे श्राद्ध लेने के लिए वो नहीं आते होंगे? जरूर आते होंगे, वही हमारे सर्व कर्ता धरता हैं। तो वह भी अपने वंशजों के पास इस उम्मीद से आते हैं कि हमारे कुल के जो वंशज हैं, जिनके लिए हम अथक प्रयास करके उन्हें जीविका का स्रोत दिया है, वह निश्चय इस महालय के पर्व में हमें हमारे श्राद्ध कर्मों को विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। तो इस उम्मीद से वो आते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसे में आप अपने पितरों के लिए खरे उतरिए और उनके लिए विधि पूर्वक उनके लिए श्राद्ध कीजिए। अब हम बात करते हैं किसके लिए कौन सी तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि 15 तिथियां होती हैं, पक्ष 2 होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेके, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेके
आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक 16 दिन तक हम श्राद्ध की पर्व को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पूर्वजों की जो तिथि होती है वह पूर्णिमा होती है, बाकी सेम तिथियां दोनों माह में सेम होता है, बस बदलता क्या है, अमावस्या की कृष्ण पक्ष में अमावस्या, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। तो ऐसे में हम 16 तिथियां मनाते हैं। तो इन 16 तिथियों में हमें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जो पितृ देवता हैं वो हमसे तृप्त हो सकें। तो एक बात और आपसे बताना चाहूँगा, देखिए ये नहीं कि आपके कुल में किसी की तिथि जो है पंचमी है, सप्तमी है, नवमी है, तो सिर्फ आप वही तिथियां मनाएं, ऐसा कदापि न करें। आप पूर्णिमा के श्राद्ध से लेकर अमावस्या के श्राद्ध पर्यंत तक हो सके तो आप लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत नित्य तर्पण और पंच बलि की प्रधानता दी गई है। पंच बलि की यानी पंच बलि के तात्पर्य भोग है ना, पांच लोगों के लिए जो नित्य भोग निकाला जाता है, जैसे कुत्ते के लिए जिसको हम श्वान कहते हैं, कौवे के लिए, चींटी के लिए, गाय के लिए और अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पांच लोगों के लिए पंच बलि का विधान बताया गया है शास्त्रों में, जो कि हमें पूर्णिमा के श्राद्ध से लेकर अमावस्या के पर्यंत नित्य करना चाहिए। नित्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गीता के प्रथम अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक का पाठ करना चाहिए। गीता के पाठ पितरों के निमित्त करने से या भगवान विष्णु की उपासना करने से, भगवान विष्णु के अष्टाक्षर या द्वादशाक्षर मंत्र का जप आदि करने से भी पितरों को तृप्ति होती है, ठीक है। तो प्रथम उपाय तो आपके लिए ये रहा। द्वितीय उपाय की अगर हम बात करते हैं, जो कुछ आप ऐसा करने से निश्चय ही आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, वह उपाय क्या है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। इसको आप ध्यान से कीजिएगा, निश्चय ही इस 16 दिन के इस उपाय से आपके जीवन में तरक्की और आपके जीवन में बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वह उपाय क्या है? अगर हो सके तो जो आपके कुल पुरोहित हों उनको अपने पितरों की तृप्ति के लिए नित्य एक गुलाब जामुन खिलाएं और कुछ दक्षिणा दें। उससे पूर्व आपको क्या करना है, शुभ स्नान आदि करके सर्वप्रथम किसी भी पीपल में जल में दूध, गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो सबसे उत्तम है, दूध, चावल अक्षत, पुष्प दूर्वा या कुश सफ़ेद पुष्प, तिल काला भूरा सफ़ेद किसी भी प्रकार का तिल, तीनों ही प्रकार का तिल भगवान के शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है और तीनों ही भगवान को उतना ही प्रिय है। तो जल, दूध, चावल, तिल, जब, श्वेत पुष्प, कुश या दुर्वा, इन सभी सामग्रियों को जल में मिला के पूरे 16 दिन आप पीपल में चढ़ाएं और हो सके तो वहाँ बैठ के गीता के एक अध्याय का पाठ रोज करें। ऐसा करने से जो आपके पितृ हैं, अतृप्त पितृ हैं, वह तृप्त होंगे और विष्णु की, भगवान हरि की शरणागति उन्हें प्राप्त होगी। फिर इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आप अपने कुल पुरोहित को पूरे 16 दिन हो सके तो एक गुलाब जामुन उन्हें खिलाएं, श्रद्धा के साथ खिलाएं, है ना, सम्मान के साथ खिलाएं और उन्हें कुछ दक्षिणा दें। यह उपाय आप अपने घर के पितरों की तिथियों पे भी कर सकते हैं, उन्हें अपने कुल पुरोहित को भोजन कराने के पश्चात आप उन्हें भोजन करने के पश्चात उन्हें मीठे में गुलाब जामुन दीजिए और फिर उन्हें जो कुछ आपको दान की वस्तुएं देना हो वो उन्हें दे के उन्हें विदा कीजिए सम्मानपूर्वक। तो ऐसा करने से निश्चय ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी।
और हम बात करते हैं इस कनागत में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, हो सके तो आप पूरी 16 दिन का यह जो पर्व है, इन 16 दिन के महापर्व में नीचे शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक भोजन, सात्विक विचार अपनाएं। साथ ही साथ जो है, आप जो हो सके तो इस पूरे 16 दिन गीता का पाठ करें और किसी के साथ वाद विवाद ना करें। हो सके तो दैविक आराधना जितना आपसे हो सके, गरीबों की सेवा हो सके, वह गरीबों की सेवा सत्कार आप करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपके जो पितृ देवता आपके लिए आशीर्वचन देने के लिए जो आपके लिए इस मृत्यु लोक पे आएंगे, तो इन नियमों का जब आप पालन करके पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे तो निश्चय ही वह तृप्त होके अमावस्या के दिन विदा होंगे तो निश्चय ही आपको विशेष फल देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब प्रकाश डालते हैं कि कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को मनाना चाहिए। देखिए, इस वर्ष जो है 17 दिन का टोटली श्राद्ध है ना। पूर्णिमा 20 तारीख को है, जो कि आपके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वह 20 तारीख को है और अमावस्या 6 तारीख को है। तो अब कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को मनाना चाहिए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। पूर्णिमा तिथि का जो श्राद्ध है वह जो है 20 तारीख को है और प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध है वह 21 सितंबर को है। द्वितीया का जो श्राद्ध है वह 22 सितंबर को है। तृतीया तिथि का जो श्राद्ध है वह 23 को है। चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वह 24 को है और पंचमी तिथि का जो श्राद्ध है वह 25 को है। देखिए, इसमें यही ऋषिकेश पंचांग में अष्टमी तिथि 2 है और दिवाकर पंचांग में षष्ठी तिथि का 2 दिखा रहा है। तो ऐसे में पंचमी का जो श्राद्ध है वह 25 और 26 दोनों दिन किया जा सकता है। 27 को षष्ठी का श्राद्ध है, 28 को सप्तमी का श्राद्ध है, 29 को अष्टमी का श्राद्ध है और 30 को नवमी का श्राद्ध है। 1 तारीख को दशमी तिथि का श्राद्ध है और 2 तारीख को एकादशी तिथि का श्राद्ध है। द्वादशी का जो श्राद्ध है वह 3 अक्टूबर को है और त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वह 4 अक्टूबर को है। चतुर्दशी तिथि का जो श्राद्ध है वह 5 अक्टूबर को है और अमावस्या का जो श्राद्ध है, जिस दिन हम सर्व पितृ विसर्जन के नाम से हम जो श्राद्ध करते हैं सभी पितरों के लिए, ज्ञात अज्ञात, जिसका हमें बोध होता है जिसका हमें बोध नहीं होता है, इनका जो हम श्राद्ध करते हैं वह अमावस्या को करते हैं। तो ऐसे में जो इस वर्ष तिथियाँ बढ़ रही है वह कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है। तो अगर आप नियम पूर्वक, यम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण, पंच महाबली, जैसे मैंने बोला कि नित्य जो है 5 लोग के लिए, गाय, कौवा, चींटी, श्वान और पितरों के लिए नित्य अगर आप पंच बलि भोग निकालते हैं तो यह आपको विशेष फल देगा। दूसरा, नित्य पीपल में हमने जो वस्तुएं बताई उनको डाल के आप जल चढ़ाते हैं, वह आपको विशेष फल देगा। और तीसरा, अगर आप अपने कुल पुरोहित को मीठे में गुलाब जामुन मान सम्मान खिला के और उन्हें कुछ दक्षिणा के साथ विदा करते हैं तो वह भी आपको विशेष फल देगा। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा अगर आप इसको श्रद्धापूर्वक करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।